बना लिया फोटो आज नहीं हुआ क्या चलो आज भी बना देते हैं टैक्स वगैरह जो हाँ आगे सर दे दी वजन कहाँ है मंदिर अंदर भी है आईडी भी परिचय पत्र भी बना देता दूसरा ये है ये लॉ है या सुरीका इसके बाद डायवर्ट के लिए जो है ये तो फेंक दिए थे उसके बाद फिर ये भाग रहे थे इनको जो है रात में रात में भी दिया वो ठीक करना बेसिकली एटा पे सवारी ग्रुप में थोड़ा सा ये साथियों के नाम आगे गुलशन कौन है तुम्हारा गुलशन सोनू तुम्हारा क्या नाम तुम्हारा तेरा बेटी और एक और कर ली हो करी तेरा 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 आठ तेरा है आठ बता रहे अरे तेरा तेरा है क्या नाम है तुम्हारा गुलशन ठाकुर गुलशन क्या करते हो तुम बताओ जी शादियों में जाकर गाड़ियाँ चोरी कर कितनी गाड़ी चोरी कर अब तक सात किए मैंने तो पर क्या करते थे चोरी के बाद चोरी के बाद ये भैया जी को सप्लाई करते थे ये और किसी को सप्लाई करते कागज कैसे बनाते थे कागज इन श्याम भैया को पता है मुझे कितने रुपए में बेचते थे चार से छः के बीच में गुलशन तेरा तो दिल गया था बस श्याम शर्मा कौन सा है कागज कैसे कैसे कागज हम लोगों ने चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है इस गैंग में तीन लोग जो है गाड़ी चुराने का मेन उन पर आरोप है बाकी एक जो है उनके फर्जी कागजात विधिवत बनाता था जैसे आरटीओ ऑफिस में बनता है उसके पास से हमें पूरा कंप्यूटर तमाम तरह के जाली दस्तावेज जिसमें कई अध बने प्रपत्र हैं जिसमें आरसी जो गाड़ियों की होती है साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी फर्जी मोहरें तमाम जनपदों की और इसके साथ साथ ये कई अन्य प्रकार के भी फर्जी दस्तावेज बना लेते थे जैसे वोटर आईडी कार्ड वगैरह तो पूरा ये गैंग इस तरीके से गाड़ी चुराने के बाद फर्जी नंबर प्लेट और फर्जी रजिस्ट्रेशन करके उस गाड़ी को 15-20 हज़ार में बेचने का काम करता था अब तक इन्होंने जो बातें हमें बताई हैं उनसे हमें लगभग 13 मोटरसाइकिलें बरामद हो पाई हैं हमें विश्वास है कि इनके जो और साथी अभी नहीं पकड़े गए हैं उनके पकड़े जाने के बाद हमें और बरामदगी हो जाएगी ये कितना बड़ा ग्रुप है क्या क्या मानते हैं हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसमें कम से कम 3-4 लड़के और अभी होने की पॉसिबिलिटी है जिनके नेम्स भी हमारे पास आए हैं और जब वो गिरफ्तार होंगे तो इसमें और भी बरामदगी भविष्य में हो पाएगी किया है कि चेकिंग के दौरान यदि कोई गाड़ी संदिग्ध पाई जाती है तो एक SMS व्यवस्था हम लोगों ने अपने इंटरनल विभाग के लिए कर रखी है कि तुरंत SMS फ्लैश करके उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं हम लोग उसके लिए RTO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है एक SMS में अगर हम अपनी क्वेरी भेजेंगे तो उसके रिप्लाई में पुलिस में क्राइम ब्रांच को ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है उससे तत्काल रूप से कोई रोकी हुई गाड़ी का 2 मिनट के अंदर हमको पता चल सकता है कि इसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस क्या है सही है गलत है
तो इस नाते ये भी व्यवस्था के तहत हम आने वाले टाइम में चेकिंग करेंगे और गाड़ियों पर निगाह रखेंगे।